नमस्कार मित्रांनो, मी पूजा बोलकर lokmat.com मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज जानवानी हसी माय फेवरेट चेतनजी अपने साथ है. बहुत बहुत स्वागत है. इस बार क्या नया, कौन सी नई बुक, कौन सा नया टॉपिक आप लेके आने वाले? बिकॉज हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ रोमांटिक, कुछ ना कुछ अच्छा, और स्पेशली लड़कियों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उसके ऊपर आपका हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है. तो इस बार क्या लड़कियों के लिए कुछ खास? जी हाँ, मैं नॉर्मली रोमांटिक नॉवेल्स लिखता हूँ, थ्रिलर्स ऐसे, मतलब जो ह्यूमर वाले या फिर मजाक वाली कहानियाँ लिखता हूँ, और वो मेरा मेन काम है. लेकिन मैं देश के मुद्दों में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ. आई थिंक एक ऐसा राइटर जिसकी इतनी रीच है, इतने सारे लोग मुझे पढ़ते हैं, तो अगर मैं सिर्फ रोमांटिक स्टोरीज यूज़ करूँगा तो मैं अपनी पूरी राइटिंग पावर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ. इसलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं अखबार में जो देश में हो रहा है इंपॉर्टेंट मुद्दे, उनको भी बारे में लिखना चाहता हूँ. तो अभी जो मेरी लेटेस्ट रिलीज है उसका नाम है इंडिया पॉजिटिव. ये बुक है जिसमें एसेज हैं, सिलेक्टेड कॉलम्स हैं, और सिंपल टेक्स ऑन इंडियाज बर्निंग इश्यूज, मतलब भारत के जो मुद्दे हैं उनको बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक पॉजिटिव वे में. मतलब ये नहीं कि कह रहा हूँ कि ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, ये मुद्दा है, ये खराबी है, लेकिन इसका ये सोल्यूशन है, इसको हम ऐसे सुधार सकते हैं, इसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जी हाँ, इस बार आप चाहे लड़के हों चाहे लड़की, देश के तो आप नागरिक हैं, तो आप सबके लिए है, सिर्फ लड़कों के लिए भी नहीं, लड़कियों के लिए. तो स्पेशली मैं ऐसा कहना गलत नहीं रहेगा, इलेक्शन अभी आ रहा है, तो इलेक्शन के गर्मा गर्म माहौल में आपने ये बुक निकाली है, तो मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है बुक के अंदर. हाँ. किसके बारे में क्या लिखा है जी? नहीं ऐसा बिल्कुल, ये मेरे पब्लिशर जो वेस्टलैंड है उनका आइडिया था कि आप कर ही रहे हैं ये बुक, तो क्यों ना इलेक्शन टाइम में करिए. हम किसी की गॉसिप नहीं इसमें कर रहे हैं कि किसी आदमी है उसकी, लेकिन यूथ को वोट देना है, सबको वोट देना है, और कई लोग कंफ्यूज है कि वोट कैसे दें, किस बेसिस पे दें. तो शायद आपको कुछ रीडिंग करनी चाहिए, हमारे देश के इश्यूज क्या हैं, क्या पॉलिसी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया पॉजिटिव जैसी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे वोटर बनेंगे, ज़्यादा सोच समझ के वोट देंगे. तो जी हाँ, इलेक्शन टाइम में इस बुक का आना है. इस बुक कांग्रेस की बीजेपी फॉर वॉट, मतलब आपको अगर जैसे आपने बोला है कि वोटर सबसे ज्यादा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, एमएनएस है, आपके तो इतने हैं यहाँ महाराष्ट्र में. सो आई थिंक यही तो एक डेमोक्रेसी का मजा है कि जो भी हमें सुन रहा है उसकी अपनी चॉइस है. मैं थोड़ा कह सकता हूँ इस बुक में ये थोड़ा कहा गया कि किसको वोट देना है. ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये बुक कांग्रेस के ऊपर लिखी है, ना ही ये बीजेपी के ऊपर. ये कोई वो जैसे फिल्में आ रही हैं आजकल, ये वो सब नहीं है, ये कोई पीआर प्रोपोगेंडा नहीं है, ये कोई वो नहीं है. ये मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि आपने अब कांग्रेस की गवर्नमेंट ट्राई कर ली है पिछले 10 सालों में, बीजेपी भी कर ली है, देश के मुद्दे तो सेम ही है, वही जॉब्स, वही इन्फ्लेशन, वही टेररिज्म, वही सेक्युलरिज्म, देश के मुद्दे वही रहते हैं. आप 3-3 घंटे ट्विटर पर लड़ रहे हो कि मेरा लीडर ज़्यादा अच्छा है, मेरा लीडर ज़्यादा अच्छा है, उससे कुछ नहीं होने वाला. उससे आपको बेटर जॉब ऑफर आएगी, या आपका लीडर अगर आ भी गया तो क्या आपको 3 महीने में बेटर जॉब मिलेगा? या फिर अगर आप कुछ सीख लेंगे, आप कोडिंग सीख लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लें, शायद आपको बेटर जॉब मिल जाए. आप अगर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट करें, हाँ देश में ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रास्ता एक ही होता है. तो वो मेरा एटीट्यूड रहा है. पर देखा जाए तो जैसे आपने कहा रास्ता वही रहता है, पर रास्ते पे पहले जो गंदगी थी वो अभी रास्ते पे हम लोग किसी को नहीं दिख रही है, तो शायद से ये गवर्नमेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा कहना गलत नहीं रहेगा. आप जो मर्जी कह लो, आप कह लो कि मोदी जी की वजह से सब खराब है या नेहरू की वजह से सब खराब है, लोगों का अपना, उससे क्या होने वाला है? हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो पॉजिटिव होना है ना. मैं वही कहने की कोशिश करूँ, अब इसको साफ करना है गंदगी. अब कैसे साफ करें? अब नहीं तूने गंद मचाया, नहीं तूने गंद मचाया, घर में अगर आपके गंद मच जाता है, नहीं छोटे भाई ने गंद मचाया, नहीं बड़े भाई ने गंद मचाया, तो घर तो नहीं साफ होगा. घर साफ करने के लिए आपको झाड़ू लाना है, उसको उठाना है और करना है. तो वो क्या करना है, वो सोल्यूशन क्या है, उसका उत्तर क्या है प्रश्नों का भारत के, वो मैंने बताने की कोशिश की. कोई तो हो जो बात करेगी, अब इसको ठीक कैसे करें भैया? तो ये बुक पूरी उसके ऊपर है. हाँ, ये बुक में अलग अलग मुद्दे उठाए गए हैं, और उसमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं वो है, और उन दिक्कतों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई कांग्रेस और बीजेपी का इसमें रोल. दोनों कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है. जरूर, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से आपको क्या लगता है, इस गवर्नमेंट ने सच में इम्प्रूव किया है पहले से गवर्नमेंट से? हर गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया अभी पिछले 10 सालों में. मैं 10 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें कांग्रेस भी थी और बीजेपी भी थी. एक देश की हिस्ट्री आप 6-6 महीने में नहीं चेंज कर सकते. आप 10 साल के पीरियड में देखो तो भारत में काफ़ी बदलाव आया है. हम सबके पास सेलफोन है, हम सबके पास डेटा है, हमारे एयरपोर्ट्स बेहतर हैं, हमारे यू नो ऑनलाइन बिजनेसेस कितने बढ़ गए हैं,
कुछ चीज़ें कांग्रेस बीजेपी की वजह से नहीं है, कुछ चीज़ें बस टेक्नोलॉजी की देन है। हमारे पास ऊबर है, ओला है, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा चेंज हो गया हमारे देश का। सो काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। कई बार हम बैठ के ट्विटर पे रोते रहते हैं ये खराब है वो खराब है, लेकिन 10 साल में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली हुई हैं। एंड यू कैन नॉट इग्नोर दैट इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है अगर 7% हर साल जीडीपी बढ़ा है तो मतलब दुगनी हो गई है। एवरेज इंडियन की आमदनी 10 साल में दुगनी हो गई है, तो कुछ तो ये तो हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तकलीफें हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी बहुत रही हैं। बहुत से नागरिक है जो जीएसटी की वजह से रो भी रहे हैं कि ये जीएसटी आए तब से ये जो काला धन था वो सब गायब हो गया है। बहुत सारे जो कर रहे थे पहले लोग वो अभी सारे बंद हो गए ये जीएसटी की वजह से। बहुत ज्यादा लोग खुश भी है और बहुत ज्यादा नाराज हैं उसके ऊपर। आई थिंक शुरू में लोग ज्यादा नाखुश थे और धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ रही है। और जी हाँ, जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। जीएसटी की जैसे जीएसटी का पर्पज था कि गवर्नमेंट टैक्स रेट ना सेट करे, एक बार फिक्स कर दिया हर चीज का सेम होगा। तो वो जो पहले अलग अलग तरह के जीएसटी थे 5% 12% 18% 28% 0% और फिर सिम टैक्स जो लग्जरी गुड्स के लिए 28 से भी ज़्यादा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर यू नो आपको जीएसटी एक करना पड़ेगा ठीक ना। और आई थिंक सरकार कोशिश कर रही है करने की, वो मोस्टली आइटम 18% में ले आए हैं, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट उसमें पॉसिबल है। जब एक जीएसटी हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आई थिंक ठीक होगा। जो काला धन का काम कर रहे थे उनको तो जीएसटी में आने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन अब एक मॉडर्न देश आप कोई भी देख लो दुनिया का, वहाँ पे सिस्टमैटिक ही टैक्सेशन होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जी, मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगी, देखा जाए तो अभी ये जो भाजपा बीजेपी है, बीजेपी की वजह से आपको लग रहा है कि और कितना ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और जितना इम्प्रूव हुआ है वो बेटर या उससे ज्यादा बेटर कर सकती है बीजेपी? बीजेपी को मैं अपना ही नहीं, मैं आई थिंक काफ़ी लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी कोई भी आप ओपिनियन पोल लो, आप ऑपोजिशन वालों से भी पूछ लो, अभी वो ये तो बोलेंगे कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो है और नंबर हाईएस्ट अभी भी हाईएस्ट सीट प्रोजेक्शन बीजेपी का ही है। हालांकि वो चाहे मेजॉरिटी होगा या थोड़ा कम होगा या काफ़ी कम होगा वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर वन पार्टी बीजेपी ही बनने वाली है ऐसे लग रहा है अभी तक। अच्छा, आपको नहीं लगा सोशल नेटवर्किंग साइट से मोदी जी बहुत ज़्यादा, मुझे बच्चों को पता है आज मोदी जी कौन है, इतना सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ? आई थिंक पूरी बीजेपी की जो आईटी टीम है कमाल की है ऑनेस्टली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल मोदी जी ने एक कहा कि मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ 11 बजे के करीब, उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे कुछ बोलने वाला हूँ, और मेरे को कोई ऐसा नागरिक नहीं मिला जिसे वो चीज़ पता नहीं थी। मैं एक हैरानी की बात है कि इतना बड़ा देश 120 करोड़ के देश में आज हम ऐसी स्टेज पे हैं, अगर हम चाहें तो एक मैसेज सबको विद इन हाफ एन आवर पहुंच गया था। किसी ने ट्विटर पे देखा, किसी ने फेसबुक पे देखा, किसी ने टीवी पे देखा, किसी ने रेडियो पे देखा, किसी ने एसएमएस में देखा, किसी ने व्हाट्सएप पे देखा, वो मैसेज आधे घंटे में पूरे देश तक पहुंच गया, कमाल का है। तो इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे जरूर होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज इलेक्शन में का काम ही है लोगों को इकट्ठे करना और वोट लेना। तो आई थिंक आई मस्ट से कि कैसे किया उन्होंने इतनी फास्ट सबको, मेरे को कोई भी नहीं मिला, मतलब मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन को भी पता था मोदी जी कुछ कह रहे हैं, और मेरे और इंटरव्यूज चल रहे थे उनको भी पता था मोदी जी कुछ कह रहे हैं, मुझे पता था मोदी जी कुछ कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो अब्रॉड रहते हैं नाराइज हैं उनको पता था मोदी जी कुछ कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं क्या कहने वाले हैं, ये स्पेकुलेशन चालू हो गया। राहुल जी को क्या कुछ क्या कहना चाहते हैं राहुल जी के बारे में? आई थिंक उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूव किया। देखिए, हम एज अ नागरिक हम सेल्फिश होना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 अच्छे लीडर हमारे पास और बराबर के टक्कर में, हम चाहते हैं कि कांग्रेस का भी अच्छा लीडर हो, बीजेपी का लीडर हो और देश और बेटर हो। अगर एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा तो अकाउंटेबिलिटी जो है कि भाई गवर्नमेंट ठीक से, उनको कोई काम करने का इंसेंटिव नहीं रहेगा, उन्हें लगेगा इनके पास चॉइस भी क्या है। तो हमें दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए। आई थिंक राहुल ने भी इम्प्रूव किया है, अभी 3 स्टेट्स जीते भी है कांग्रेस ने, और आई थिंक उनका जो सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह हैं जो भी वो कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ला रही है। लेकिन अभी देखना है, अभी इलेक्शन आ गए, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आई थिंक जैसे मोदी जी ने कल ही कहा कि लोगों ने फैसला कर लिया है किसको वोट देना है, आई थिंक आई डोंट नो कि ये लास्ट मिनट कैंपेनिंग से कितना फर्क पड़ता है। मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, उर्मिला मातोंडकर भी अभी इलेक्शन मतलब उतर रही है, शिल्पा शिंदे है, आपका क्या ख्याल है अगर आपको किसी? मैं बहुत खुश हूँ देश के बारे में लिखने के लिए, लव स्टोरीज लिखने के लिए, और देश के मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लिखने में है। पॉलिटिशियन का काम बहुत कठिन है और मैं सिर्फ शौक के लिए नहीं बनना चाहता,
अगर बने तो अच्छे से काम करना, और अच्छे से काम करना है तो 24/7 जॉब। अगर ये चांस आपको मिला तो हम सच में चाहते हैं। चांस मिल चुका है मुझे, पहले भी मिल चुका है, मतलब ये इस इलेक्शन ही, इससे पिछले चुनाव में मिल चुका है। मेरे को लगा नहीं कि मेरे को ये करना है, मेरे को जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा। कोई रीजन? रीजन ये है कि मेरे को मेरे जो फैंस हैं, मेरे लीडर्स हैं, उन्होंने कहा सर ये पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना ही वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं मराठी में, इमान है हॉस्पिटल की वह कोर्टाची पायरी चढ़ू ने, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं पॉलिटिशियन की इसमें जाना ही नहीं, पॉलिटिशियन की सीढ़ी चढ़नी नहीं। ये डर देशवासियों में बहुत ज्यादा है कि हॉस्पिटल और कोर्ट के चक्कर ना लगाए तो वैसे ही अभी आगे होगा कि पॉलिटिशियन के इसमें ना। शायद कहीं ना कहीं वो एक मेंटालिटी मेरे लिए, वो एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग की मेंटालिटी है कि इन सब चीजों से दूर ही रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, पता नहीं पॉलिटिशियन कैसे बर्दाश्त करते हैं, सारा टाइम उन्हें लोग गालियां दिए जा रहे हैं। मैं तो नहीं ऐसा जीवन जीना चाहता, तभी तो मैं पॉजिटिव हूँ। कभी कभी मैं पॉलिटिशियन की तारीफ भी कर देता हूँ, क्यों मुझे लगता है वो भी तो इंसान है यार। तो इसमें ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है कि बाबा नहीं पॉलिटिशियन ने ऐसा नहीं तो ऐसा बनना चाहिए, बिकॉज आजकल की यंग जनरेशन है जिन्होंने सच में बहुत ज्यादा देश के बारे में प्यार है। और आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोग अब्रॉड जाके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया वैसे भी पैसों के बारे में बहुत ज्यादा वीक है, वहाँ पे जब डबल पैसा मिलता है कि चलो बाबा वहाँ पे जाके पैसा कमाओ और बाद में इंडिया में भेजो, ये सब ये जनरेशन की मेंटेलिटी हो चुकी है। तो इसमें ऐसी कुछ चीजें लिखी है कि बाबा सच में पॉलिटिशियन लोगों के लिए कि बाबा थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज करो और जनता के बारे में थोड़ा सा सोचो, बिकॉज टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में कुछ देखा जाए। बिल्कुल, मैं मेरे जो कॉलम है अक्सर पॉलिटिशियंस पढ़ते भी हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा चीज़ में यूथ को क्या चाहिए, और क्योंकि मेरे हर कॉलम में मैं सोल्यूशन देता हूँ, ये नहीं कि इसकी गलती है उसकी गलती है, ये गलत हो रहा है, ये खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं मैं कहता। तो आई थिंक दे ऑल्सो लाइक टू नो कि क्योंकि कई बार वो अपनी पोलिटिकल दुनिया में वो अपने ही पार्टी में मस्त रहते हैं, कई बार कोई बाहर की आवाज़ से वो देखते हैं कि हाँ ऐसे ही कह रहे हैं, तो कई बार उनको सजेशन आ जाती है कि ये भी मॉडर्न तरीका है गवर्नमेंट का, मे बी आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट वे, और वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, दोनों पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे को पॉलिटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, तो कर दे काम, ऑलरेडी अच्छे लोग हैं जो कर देंगे काम, वो तो ठीक है। फिर जाते हैं दर्शकों क्या कहना, बस यही कि आप मेरी किताबें पढ़ते रहिए और अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे पहले सबसे पहले फोकस कीजिए 80% और फिर 20% देश पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।